सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रमन बाजवा। खबरां दा आगाज़ करांगे पर एक नज़र हुण तक दीआं हैडलाइनस ते। इमरान खान की रैली में चलिया गोलियां, वजीराबाद में रैली दौरान इमरान खान से चलिया गोलियां, वाल वाल बचे इमरान खान, हुए जख्मी। मूसेवाला कतल केस में एनआईए ने मनकीरत औलख से दिलप्रीत टिल्लो तो की पूछगिछ। चोन कमिशन ने गुजरात विधानसभा चोणां दीआं तरीकां दा कीता ऐलान, गुजरात विच 1 ते 5 दिसंबर नूं होवेगी वोटिंग, 8 दिसंबर नूं आउणगे नतीजे। समराला विखे तहसील अते सुविधा सेंटर विच सीएम भगवंत मान ने कीता अचनचेत दौरा। खरड़ पुजे अमृतपाल सिंह ने नौजवानों नूं नशा छड्डन दी कीती अपील, नौजवान नशा करन दी बजाय अपनी कौम लई जज्बा रखण अते कौम लई करन संघर्ष। अकाली दल दे आगू सुखबीर सिंह बादल अते विरसा सिंह वलटोआ अमृतसर अदालत विच गैर जमानती वारंट नूं लैके हुए पेश, कहा मानयोग अदालत ते पूरा भरोसा। बुलेटिन की शुरुआत करन जा रहे हैं पाकिस्तान तो, पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान की रैली में गोलीबारी हुई है। इमरान खान वजीराबाद में एक रैली नूं संबोधन कर रहे सन जिथे गोलियां चलन की खबर है। इस गोलीबारी में इमरान खान खुद भी जख्मी हो गए, उन्होंने कंटेनर से गोलियां चलाई गई, उन्होंने अलावा 4 होर लोग जख्मी हुए ने। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार भी किया है। इस दे नाल ही इमरान खान नूं नेड़ले हस्पताल विच दाखिल कराया गया है। इमरान खान के पैर से सट लगी है, सिंध के साबका गवर्नर भी फायरिंग विच जख्मी हुए ने। इमरान खान से AK-47 नाल फायरिंग की गई है। दसा जा रहा है कि इस फायरिंग दौरान इमरान खान समेत 15 लोग जख्मी हुए ने, जबकि एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। गोलियां चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जख्मी इमरान खान को लाहौर हस्पताल दाखिल कराया गया। अगली खबर है पंजाबी संगीत जगत तो आ रही है। पंजाबी संगीत जगत विच सूत्रा मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने सिद्धू मूसेवाला कतल केस नूं लैके मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख ते दिलप्रीत सिंह टिल्लो कोलों पुछगिछ कीती है। NIA दे दिल्ली हैडक्वार्टर विखे 4 तों 5 घंटिया तक मनकीरत औलख अते दिलप्रीत टिल्लो कोलों पुछगिछ कीती गई है। दोवां गायकां कोलों सिद्धू मूसेवाला दे कतल नूं लैके कई सवाल जवाब किए गए। दस दईए कि कुछ दिन पहला पंजाबी गायिका अफसाना खान कोलों भी NIA ने पुछगिछ कीती सी। अफसाना खान ने इस संबंधी इंस्टाग्राम से लाइव होके भी गलबात की थी ते कहा सी कि NIA ने उस कोलों सिर्फ सिद्धू मूसेवाला नाल उसके रिश्ते ते केस नूं लैके गलबात की थी। मनकीरत औलख अते दिलप्रीत टिल्लो की गल करिए ता कुछ साल पहला इन्हां दोहां कलाकारा ने एक जेल विच शो लगाया सी, जिथों मनकीरत अते दिलप्रीत दी लॉरेंस बिश्नोई नाल तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई सी। कहा जा रहा है कि इसके चलते दोहां गायकों कोलों हुण NIA ने पुछगिछ की। तो गल करिए गुजरात विधानसभा चोणां दी, तां गुजरात विच विधानसभा चोणां लई मतदान लई चोणां दा ऐलान करता गया है। पहले पड़ा की वोटिंग 1 दिसंबर नूं होवेगी अते दूजे पड़ा की वोटिंग 5 दिसंबर नूं होवेगी। गुजरात चोणां दे नतीजे 8 दिसंबर नूं ऐलाने जाणगे। चोण कमीशन ने गुजरात विधानसभा चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान कर दिता है। चोण कमीशन ने भी गुजरात के मोरबी विच होए पुल हादसे ते दुख प्रगट किया है। कमीशन ने कहा कि गुजरात विच पहली बार 4.6 लाख लोग वोट पहुंचा रहे ने। कमीशन ने कहा कि सूबे विच कुल 4.9 करोड़ वोटर ने। इत्थे दस दईए कि हिमाचल विच 12 नवंबर नूं एक पड़ाव विच वोटां पैणगियां, जबकि 8 दिसंबर नूं वोटां दी गिनती होएगी। कमीशन ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिता सी कि गुजरात चोणां लई वोटां दी गिनती भी 8 दिसंबर नूं होवेगी। पंजाब दे समराला तो वड्डी खबर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इथों दी तहसील विच स्थित सुविधा केंद्र दा अचनचेत दौरा कीता, जिसकी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया से शेयर की है। नाल ही उन्होंने कैप्शन विच लिखा है कि लोगों की सरकार लोगों लई हर समय हाजिर है। समराला तहसील विच सुविधा केंद्र दा अचानक दौरा किया, जिथे उन्हां मावां भैणां ते बजुर्गां नाल गलबात करदिआं उन्हां दीआं मुश्किलां सुणियां ते प्रशासनिक अधिकारियों नूं समस्यावां पारदर्शी तरीके नाल हल करन लई हुकम भी दित्ते।
वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे आगू अमृतपाल सिंह अज खरड़ पहुंचे। उन्होंने नौजवानों नू नशे दे कोहड़ तो बचन लई गया। अमृतपाल सिंह ने कहा कि नौजवानों नू नशा छड़न दी अपील की जा रही है। नौजवान नशा करन दी बजाय अपनी कौम लई जज्बा रखन अते कौम लई संघर्ष करन। उन्होंने कहा कि असी शस्त्रधारी होकर कौम लई जंग लड़नी है। उन्होंने नौजवानों नू सादगी भरिया जीवन बतीत करन अते दिखावा ना करन दी अपील की। इस दे नाल ही उन्हां दा कहना सी कि जिहड़ियां संस्थावां लोकां दे नाल मिल के नहीं चलदियां ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਹੜ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੜਨ, ਪਰ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨੀਆਂ ਖੋਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਸਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕੇਸ, ਝੂਠਾ ਕੇਸ, ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਇਨ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਵੀ ਆਰ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਇਨ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ SP ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਓਵਰਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਮੱਖੂ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ DGP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 72.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰਾਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। DGP ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ATS ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
निहावा सेवा पोर्ट मुंबई विखे 32.5 किलो हैराइन जब्त की गई है। हुण इस मामले में लोड़ींदे 3 हाई प्रोफाइल नशा तस्करां नूं गिरफ्तार किया गया है। यह तस्कर पंजाब विच वड्डे पद्धर ते नशा तस्करी विच शामिल सन। उद्योगिक नगरी मंडी गोबिंदगढ़ नैशनल हाईवे ते स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच लुटेरियां वल्लों लॉकर तोड़ के लखां रुपए के गहने अते नकदी चोरी करके फरार हो गए। उधर पुलिस इस मामले की गंभीरता नाल जांच विच जुट गई है ते फोरेंसिक टीमां अते सीसीटीवी कैमरिया की मदद नाल डूंघाई नाल जांच की जा रही है। इस संबंधी डीएसपी गुरबंत सिंह बैंस ने दस्सिया कि यह चोरी रात लगभग 12 बजे हुई है। चोरों वालों बैंक में लगे हुए 7 लाखों में 4 लाखों तोड़ के उस विच पिया सोना और नकदी ले ली गई, जदों के 3 लॉकर खाली सन। उन्होंने दस्सिया कि चोर बैंक न लगते खाली थान तो एग्जॉट फैन वाली थान तोड़ के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी मामला दर्ज कर लिया गया, जांच आरंभ की गई। देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इतने गोबिंदगढ़ ब्रांच के रात थैफ्ट हुई है, पार चोरी हुई। कोई नामालूम व्यक्तियों ने बैंक का जो नाल एक गुआंढ के खाली प्लाट है उस प्लाट च एग्जॉस्ट फैन वाली जगह नूं तोड़ के उहदे च एंटर किए ने। उस तो बाद नीचे बेसमेंट के जिथे इन्हों का स्ट्रोंग रूम है, बेसमेंट दी पौड़ियों के भी एक एग्जॉस्ट फैन लगे, उन्होंने ब्रेक उप उन्होंने भी तोड़ के स्ट्रोंग रूम च एंटर करके 7 लॉकर टोटल तोड़े ने, जिन्हों चो 3 लॉकर खाली से, 4 लॉकर जो लॉकर होल्डर से उन्होंने कॉल किया, उन्होंने तो पूछना उन्हों का की नुकसान है। जिहड़ा बैंक का कैश है, बैंक का जो कैश है वह बैंक के लॉकर अपना स्ट्रोंग रूम के जो सेफ है वह सेफ है, बैंक का कोई कैश चोरी नहीं। इलाके विच हो रही नजायज़ माइनिंग नूं लैके नंगल दे नाल लगदे पिंड पलाण दे विच पिंड वासियां वल्लों पिंड दी सूआ नदी विच डी दे नाम ते हो रही माइनिंग नूं लैके रोस प्रदर्शन किया गया। पिंड वासियां वल्लों सरकार ते इल्जाम लगाउंदे हुए कहा गया कि सरकार दी शरेआम धक्केशाही हो रही है। पिंड पलाण दे सूआ नदी विच पिछले 3-4 दिनां तों लगातार डी सिलहट दे नाम ते माइनिंग की जा रही है। पिंड वासियां दा पुलिस प्रशासन अते माइनिंग विभाग नूं इही कहना सी कि उह अपने इस इलाके विच नजायज़ माइनिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनगे। मौके ते मौजूद पुलिस अते माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने भरे हुए टिप्परां नूं खाली कराया अते माइनिंग दे लई वरते जाण वाले रस्ते नूं वड्डी मशीन दे नाल पुट दिता गया। इस तों बाद पिंड वासियां ने अपना धरना खत्म किया। देखो जी, सरकार वल्लों माइनिंग की जा रही, ना कोई पंचायत नूं तक लैटर, ना कोई पंचायत नूं इतलाह किसी चीज़ की ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਡੀਸਲਟੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਈ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੀ ਜਾਊਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਦੀ ਗਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਮ। माँ बाप बड़िया उम्मीदा लगा के बच्चों नूं विदेशों विच काम करन वास्ते भेजते हैं ते अपना पेट कट कट के पैसे एजेंटा नूं देते हैं। जेकर उसे पुत दी विदेश विच किसे वल्लों हत्या कर दी जाए तो उस परिवार उत्ते की बीतदा है। इस तरह का एक मामला जीरा दे जोहल नगर विच वेखण नूं मिलिया। उत्थों दे एक गरीब परिवार वल्लों अपने बेटे सुखचैन सिंह नूं मनीला भेजा गया सी, जो कि हुण अपने पैरां ते खड़ा होया सी कि किसी हथियारे वल्लों उस नूं गोलियां मार के मौत दे घाट उतारता गया। उन्होंने सरकार अगे अपील की है कि उन्होंने पुत्र की मृतक देह को भारत वापस लिया जाए तो उसकी देह का अंतिम संस्कार कर सके। पटियाला के सरकारी राजेंद्र हस्पताल इलाज दौरान भज्जिया कैदी अमरीक सिंह पुलिस ने मुड़ तो गिरफ्तार कर लिया। अमरीक सिंह के उपर ड्रग तस्करी के कई मुकदमे दर्ज ने, जिसनों हुण भवानीगढ़ रोड समाना हलका के नज़दीक पेंदे पिंड बामणा बस्ती तो गिरफ्तार किया गया, जदों उस पासों एक 9 विदेशी पिस्टल और 3 मैगजीन के नाल 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस वालों कैदी अमरीक सिंह तो पुछगिछ जारी है। एक पटियाला पुलिस वालों वड्डी सफलता हासिल की गई है, जिहड़ा कि एक कुख्यात ड्रग स्मगलर हैगा कॉमर्शियल क्वांटिटीज़ का अमरीक सिंह, जो कि पिछले दिनों 1 अक्टूबर तो राजेंद्र हस्पताल लाया गया सी जेल दे विच्चों, जेल गार्द राही, ते उत्थों वो इन्हा जेल दी गार्द तो छड़ा के सने हथकड़ी भज्जण दे विच कामयाब हो गया सीगा। ते उस तो बाद जिहड़ा हैगा पटियाला पुलिस इस केस नूं फॉलोअप करदी रही, अमरीक सिंह दे पिछे असी लगे रहे। इस संबंध दे विच असी एक एफ आई आर भी दर्ज की, ते इस एफ आई आर दे विच जेल दे विच्चों अते जेल दे बाहरों अमरीक सिंह की भज्जन के मदद करन वाले 9 व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए। 2/11/2022 साढ़े CIA समाने के इंचार्ज सुरेंद्र भल्ला जी ने जिहड़ा हैगा इस अमरीक नूं पिंड हैगा बमणा बस्ती समाणा
समाणा भवानीगढ़ रोड से पैंदा उत्थों नूं दुबारा गिरफ्तार किया गया। इहदे कोलों जिस गड्डी दे विच भज्जिया सीगा उह स्विफ्ट डिजायर गड्डी हैगी है PB 65 8892 ए भी बरामद की गई है। इहदे कोलों टर्की दे विच बनिया विदेशी हथियार एक पिस्टल 9mm का बरामद किया गया, 3 मैगजीन 7 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए। तो खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी बने रहो साडे नाल चंडीगढ़ टाइम टीवी ते। धन्यवाद।